Hello everybody, today we are going to talk about UTI, urinary tract infection. It's a very common problem, especially in women. Men are also prone to it, but females are at greater risk. Infection ke bahut saare reasons ho sakte hain, but jo ek main reason hai jo ek cabin crew face karti hai, ek female cabin crew face karti hai, is unhygienic washrooms, lavatories. You have long duty hours, you have long flying hours, and you're not at your home, aap bahar hain, and you have, there will be a time when you have to pass the urine, right? So wherever it is available, you will use it. Whatever is available, you will use it. But kya wo clean hai, kya wo hygienic hai, ye ek bahut bada question aa jata hai. Now the way we use the washrooms, like females, we sit and do our business, unlike men. So at times females ke liye especially bahut difficult ho jata hai, chahe aap flying mein na bhi ho, in general also, agar if you have to pee, if you have to use the washroom, if you have to pass the urine, you literally have to look for a proper swachale jahan aap jaake uska istemal kar sake, right? And wo bhi bahut hygienic nahi hote hain, saaf sutre nahi hote hain, well maintained nahi hote hain. Now aircraft mein jo specially jo washrooms hote hain, though the cleaners are there every time, after every, before every flight they come and clean the washroom, after every flight they come and clean the washroom, but still during the flight there are so many passengers, and there are like sometimes there are three washrooms, three lavatories in an aircraft, and 150 passengers are using it. So aap कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो हाइजीनिक होगा या वो क्लीन होगा. सो ये एक मेन रीजन होता है जिसकी वजह से यूटीआई होता है फीमेल क्रू को. आई वुड से ऑलमोस्ट एवरी फीमेल क्रू मस्ट हैव फेस दिस प्रॉब्लम इंक्लूडिंग मी. लाइक आई ऑल्सो हैड इट वंस एंड इट वॉज रियली बैड. आपका बॉडी इतना एक करता है, यू विल हैव फीवर, ठीक है, बॉडी ईचिंग एंड इरिटेशन, इट इज रियली बैड. आई हैड इट फॉर लाइक गुड 14-15 डेज. So I couldn't fly, of course, because मुझे infection था, my body was weak, so I was on report sick. So वो 15 दिन की flying भी मेरी चली गई. It is actually a very terrible thing to happen to anyone. So here I am going to talk about certain things which you can do to avoid कि ये चीजें ना हो आपके साथ, है ना. Number one, never hold your urine. क्रू अवॉइड करता है वॉशरूम्स यूज करने के लिए, लैबोरेटरीज यूज करने के लिए, बिकॉज क्लीन नहीं है, हाइजीनिक नहीं है. बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर इफ यू होल्ड योर यूरिन, आपके ब्लैडर पे बहुत जोर पड़ेगा और इससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो नेवर नेवर होल्ड योर यूरिन. इफ देयर इज एन अर्ज टू पास द यूरिन, जस्ट गो एंड डू इट. ऑलराइट, नाउ यू विल बी लाइक कि अगर मैं, इफ आई गो एंड यूज दैट अनहाइजीनिक वॉशरूम, सो देन अगेन मुझको फिर से यूटीआई हो जाएगा बिकॉज इट्स नॉट क्लीन प्रॉपरली. सो नाउ वॉट यू कैन डू, लाइक वॉट आई यूज टू डू एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे डू, दैट आप स्क्वाट की पोजिशन में बैठ सकते हैं एंड यूज इट. ऑल्सो वहाँ पे काफ़ी मार्केट्स में डिस इन्फेक्टेंट्स आते हैं, सो वो स्प्रे आप यूज कर सकते हैं. ऑल्सो आई हैव सीन लाइक कपल ऑफ ईयर्स बैक, पी सेफ ने एक कोन शेप का कुछ, देर वॉज अ थिंग विच यू कैन यूज, यू कैन स्टैंड एंड देन पास द यूरिन फॉर फीमेल्स, तो दे हैव मेड. इफ यू वॉन्ट यू कैन यूज दैट एज वेल. ओके, सो वॉट एवर इट टेक्स, जस्ट डू योर बिजनेस, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, आप अवॉइड करने के चक्कर में कि मुझे यूटीआई ना हो, यू विल होल्ड योर यूरिन एंड इट विल इवेंचुअली लीड टू यूटीआई ओनली. सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी बॉडी के साथ ऐसा ना करें. नंबर टू, स्टे हाइड्रेटेड. अगेन फीमेल्स को लगता है, मैं फीमेल्स जनरली मैं बोलूंगी लोगों को, वेन एवर वी ट्रैवल यू नो, सो हम क्या सोचते हैं कि हम कम पानी पियेंगे, कम फ्लूइड्स पियेंगे, तो हम वॉशरूम नहीं जाएंगे यूज करने के लिए, विच इज अ फैक्ट कि आपने बॉडी में फ्लूइड डाला ही नहीं है तो फिर क्या आप बाहर करेंगे. सो दिस इज ऑब्वियस, राइट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर. सो उसको पानी चाहिए, है ना. एंड जैसे हम बोलते हैं कि दिन में 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, सिर्फ निखरती त्वचा के लिए नहीं है, बट आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो. सो यू हैव टू ड्रिंक इनफ वाटर. एंड जब आप फ्लाई कर रहे हो तब तो और ज़्यादा, क्योंकि आप एक प्रेशराइज कैबिन में हो, जो आप ऑक्सीजन ब्रीद कर रहे हो वो रिसाइकल्ड है, वो फ्रेश नहीं है, है ना. आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, आपने देखा होगा, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, उसकी वजह से एसी चल रहा है, बहुत सारा बड़ा बड़ा बहुत रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ क्रूशियल फॉर अस, फॉर द कैबिन क्रू एंड पीपल आर ट्रैवलिंग ऑल्सो, उनको भी पानी दीजिए और खुद भी पानी पीजिए. हमें ट्रेनिंग में स्पेशली बताया जाता है कि प्लीज़ मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हाउ, बाय ड्रिंकिंग इनफ वाटर. जो आप जमीन पे, मतलब ऑन ग्राउंड पीते हो, उससे ज़्यादा पानी पियो फ्लाइट के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है. सो प्लीज़ मेक श्योर यू हैविंग इनफ वाटर. ये मत सोचो कि अगर मैं पानी नहीं पीऊँगी तो फिर मैं वॉशरूम
नहीं जाऊंगी या पानी पीऊंगी तो वॉशरूम जाना पड़ेगा. सी वॉट एवर इट इज लाइक आई टोल्ड यू दैट यू कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स एंड यूज द वॉशरूम राइट. बट प्लीज मेक श्योर दैट यू ड्रिंक इनफ वॉटर. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ ऑन दिस. डोंट ट्राई टू गल्प वन लीटर्स ऑफ वॉटर एक बार में. वन गो में अगर करने की कोशिश करोगे तो वो मोस्टली ड्रेन आउट हो जाएगा आपकी बॉडी से, वो ऑब्जॉर्ब नहीं होगा. ठीक है, सो करेक्ट वे ऑफ ड्रिंकिंग इज दैट यू सिप एंड लाइक स्लिप्स. Take small, small sip. Let it absorb into your body. Okay, so that is the right way. So drink enough water and drink in the right manner. Eat healthy. You are what you eat, है ना? So we make sure that we eat healthy. अब आप बोलेंगे इसका क्या इससे relation? Relation है. Healthy body तभी होगी ना जब आप अच्छा healthy खाना खाएंगे, है ना? And हमारे flying में क्या होता है? Again odd timings होते हैं. रात के 12 बजे आप जगे हुए हैं, 2 बजे जगे हुए हैं, जहाँ आपको you are supposed to sleep. ठीक है, सो इफ यू आर अवेक योर बॉडी विल फील हंग्री. यू विल फील हंग्री सो यू हैव टू ईट. बट वेन यू आर ईटिंग यू मेक श्योर यू ईट हेल्दी, है ना? गो फॉर हेल्दी ऑप्शंस. एंड आप अपने घर से भी खाना लेके आ सकते हैं. घर का खाना इज एनी डे हेल्दियर देन वॉट यू गेट आउटसाइड. ठीक है, बहुत प्रो ऐसा करता था. सो यू कैन गेट योर होम कुक फूड घर से, कुछ भी ले, पराठे कुछ भी आपको जो भी पसंद है, बॉयल्ड एग्स, वॉट एवर यू हैव, जस्ट गेट इट. आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो ऑटोमेटिकली आपको बीमारियां कम होंगी, है ना? Lastly, enough sleep. Sleep well, very important. क्या होता है ना स्पेशली न्यू क्रू के साथ में कि अभी पार्टी करना है, शॉपिंग करना है, फ्रेंड्स के साथ जाना है, डू ऑल ऑफ दैट, बट यू मेक श्योर दैट यू हैव इनफ स्लीप, इनफ रेस्ट आफ्टर द फ्लाइट एंड बिफोर द फ्लाइट. आपकी बॉडी वेल रेस्टेड होनी चाहिए, वेल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए फ्लाइट के लिए. ठीक है, तो वो कैसे होगी? जब आप सोएंगे उसको आराम करने दीजिए. ठीक है, स्लीप इज इक्वली इंपॉर्टेंट. हेल्दी बॉडी के लिए आपको अच्छा खाना है, खूब सारा पानी पीना है और अच्छे से अपना रेस्ट लेना है बॉडी को. सो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लेस प्रोन होगी टू गेट एनी सॉर्ट ऑफ डिजीजेस. ऑलराइट, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच यू कैन कीप इन माइंड एंड लिव अ हेल्दी लाइफ. सो या गाइज, आई रियली होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. आप में से एक ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, सो आई थॉट ऑफ आंसरिंग इट एंड आई होप यू गॉट द आंसर. एंड जो और लोग देख रहे हैं उनको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा. And yeah guys, thank you for watching and follow for more.